तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो देख आज ये वीडियो रे हमें 2019 रो मैथमेटिक्स क्वेश्चन विषय रे डिस्कशन करबा मुझ फॉलो स्टूडेंट। तो कोटा तो 2020 रो क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हि सारछि तो मदि देखिना ताले तुम 2019 रो क्वेश्चन भी देखि दियो आ ता है तो 2020 रो क्वेश्चन भी देखि दे हला। तो देखो स्टूडेंट तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि फर्स्ट पैटर्न रे 1 × 10 तो 10टा शॉर्ट क्वेश्चन अछि। तो फर्स्ट तो यहाँ कंपलसरी 1 × 10 पार्टा हूँ तुम्हारे कंपलसरी पार्ट है तो ये किसी तुमको ऑप्शन मिलेनी। तो नंबर ए एक नंबर बी टू वन तुमको वेक्टर क्वेश्चन पड़ी 3D तापर देखु स्टूडेंट तुम सी पड़ी कौन रिलेशन फंक्शन इफ आर इज रिलेशन सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स तो व्हिच टाइप्स ऑफ रिलेशन तो यहाँ कौ टाइप रिलेशन स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बुझा स्टूडेंट सॉरी सिमेट्री रिलेशन है। नेक्स्ट ये कौन पचार स्टूडेंट यार वैल्यू पचार कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 है 3π/2 ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्वेश्चन पड़ी इ देख स्टूडेंट ये कौन पड़ी तुम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पड़ी है। नेक्स्ट आस देख स्टूडेंट ये तुम फंक्शन क्वेश्चन पड़ी कंटिन्यूटी क्वेश्चन पड़ी तापर रहा ये तुम स्टूडेंट देख मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन पड़ी देख एफ गोटे क्वेश्चन पड़ी इफ इज एफ इज एन ऑड फंक्शन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस है तो ऑड फंक्शन थे कौन हो स्टूडेंट -a to a तो ऑड फंक्शन थे आंसर कौन हुए 0 एटा प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट राइट द ऑर्डर ऑफ ये ऑर्डर पचार देख स्टूडेंट ऑर्डर पचार तो यार ऑर्डर कैसे हम तो ऑर्डर कैसे हम स्टूडेंट कैसे कांस्टेंट अच्छे देखिए 1, 2, 3, 4 तो 4टा कांस्टेंट अच्छे है तो जितना कांस्टेंट हम नंबर ऑफ कांस्टेंट आ 4टा C5 5टा कांस्टेंट अच्छे तो ऑर्डर कैसे हम 5 बुझ पाला स्टूडेंट। तो बी टू वन में तुमको कौन आसो फर्स्ट ग्रुप ए रे तुमको 1 × 10 रो शॉर्ट क्वेश्चन आसो बुझ पाला स्टूडेंट। चलो ग्रुप बी रे एबे ग्रुप बी रे तुमको क्वेश्चन देखिया पाबो स्टूडेंट 4 मार्क क्वेश्चन आसो आ तुमको 3टा क्वेश्चन करार छे एडी तुमको 5टा क्वेश्चन रहइबो आ ऑप्शन 2टा क्वेश्चन रहइबो बुझ पाला स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट 2 नंबर तुमको ए बी सी डी डी आउ इ देख पार स्टूडेंट। तो 2 नंबर में 5टा क्वेश्चन अच्छे तो गोटे गोटे क्वेश्चन के 4 मार्क आ तुमको कतरा क्वेश्चन करार अच्छे 3टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करार अच्छे एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करार अच्छे बुझ पाला स्टूडेंट। चलो ग्रुप बी रो ग्रुप बी रे नंबर 3 भी सेम पैटर्न है से 4 मार्क 3टा क्वेश्चन करार अच्छे तो डिटरमिनेंट तब रहा तुम कौन प्रोबेबिलिटी तब रहा कौन स्टूडेंट एटी भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अच्छे ये हूँ तुम डिटरमिनेंट क्वेश्चन है। तो प्रूफ कौन करार अच्छे वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक बुझ पाला स्टूडेंट। ई ये भी तुम कौन स्टूडेंट डिटरमिनेंट क्वेश्चन पड़े ए क्यू -23a - 40i इज इक्वल टू 0 तुम प्रूफ करार अच्छे है। नेक्स्ट देख स्टूडेंट ये रहा 4 नंबर तो ये भी सेम पैटर्न रहा तुम स्टूडेंट 3टा क्वेश्चन करार अच्छे आउ इच क्वेश्चन गोटे गोटे क्वेश्चन 3 मार्क बुझ पाला। तो डेरिवेटिव क्वेश्चन पड़ी पैरामेट्रिक फंक्शन ये रहा लैंग्वेज थ्योरम क्वेश्चन पड़ी तापर रहा देख स्टूडेंट तुम मैक्सिमम कौन पड़े देख स्टूडेंट नॉर्मल हाँ टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन आसी है तापर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये डेरिवेटिव क्वेश्चन आसी है। तो टोटल कतरा क्वेश्चन अच्छे 4 नंबर 5टा क्वेश्चन अच्छे कि तुमको एनी 3 3टा ही अटेम्प्ट करार अच्छे है। नेक्स्ट देख स्टूडेंट नंबर 5 तो ये भी सेम पैटर्न तुमको 3टा क्वेश्चन ही करार अच्छे गोटे गोटे क्वेश्चन 4 मार्क और यहाँ इंटीग्रेशन पार्ट तो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन पड़ी एरिया क्वेश्चन पड़ी ये देख स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन पड़ी ये भी तुम डिफरेंशियल इक्वेशन आउ ये नॉर्मल इंटीग्रेशन क्वेश्चन पड़ी है। नेक्स्ट आस बिट 6 को नंबर 6 क्वेश्चन नंबर तो ये भी पैटर्न सेम तुमको कितना क्वेश्चन 3टा क्वेश्चन करार अच्छे तो यहाँ हो 3D ऑफ वेक्टर पार्ट है। तो 3D वेक्टर है तो 3D देख ये वेक्टर क्वेश्चन तीर रहा तुम वेक्टर क्वेश्चन 2टा वेक्टर क्वेश्चन पड़ी आ नंबर सी 3D क्वेश्चन नंबर डी भी 3D क्वेश्चन है आ नंबर ई ये भी तुम वेक्टर क्वेश्चन पड़ी है। तो नंबर कौन ग्रुप ए ग्रुप बी थी शॉर्ट क्वेश्चन एवं ग्रुप सी हूँ तुम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तुमको गोटे गोटे क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क तो 6 मार्क क्वेश्चन आसो गोटे गोटे क्वेश्चन आउ तुमको देख सब यूनिट थी तुम जमी एटा हूँ कौन तुम डिटरमिनेंट यूनिट तुमको 3टा क्वेश्चन मिले ये देख इनवर्स पचार रहा तुम कौन रहा स्टूडेंट मैट्रिक्स वार्ड प्रॉब्लम दे तुम्हें वार्ड प्रॉब्लम कौन करार अच्छे मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेथड लिखार अच्छे इक्वेशन बनवर अच्छी तक सल्व करार अच्छे है। ये अच्छे देख स्टूडेंट आउ एटा सल्व कनसीस्टेंसी एंड सॉल्युबिलिटी सॉल्व कनसीस्टेंसी एंड सॉल्युबिलिटी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स मेथड सल्व करार अच्छे है। तो देख स्टूडेंट 7 नंबर एनी वन गोटे ए बी आउ सी रू ओनली गोटे हिं करार अच्छे तुमको है नंबर 8 को आस नंबर 8 देख एटा डेरिवेटिव पार्ट है। तो कौन पड़े सो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कौन एटा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन पड़ी आउ गोटे रहा तुम डेरिवेटिव क्वेश्चन पड़ी बुझ पाला स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आउ गोटे डेरिवेटिव क्वेश्चन है। तो तुमको कौन करार स्टूडेंट एनी वन क्वेश्चन करार अच्छे है आइदर मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन ना तुमको डेरिवेटिव क्वेश्चन जोटा गोटे अटेम्प्ट करार अच्छे है। इवे नंबर 9 नंबर 9 देख इंटीग्रेशन क्वेश्चन पड़ी ये रहा तुम डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन पड़ी आउ तुम एरिया क्वेश्चन अच्छे तो ये 3टा भितर गोटे
क्वेश्चन करियार अच्छे बुझा स्टूडेंट नेक्स्ट आस नंबर थ्री है नंबर टेन रोज तुम कौन ये रहा तुम देख स्टूडेंट डिस्टेंस ये देखिए कौन तुम स्टूडेंट थ्री डी क्वेश्चन वेक्टर ए बी क्वेश्चन टाइम वेक्टर क्वेश्चन तो थ्री डी कि वेक्टर गोटे ही तुम्हारे अटेम्प्ट करियार अच्छे है लास्ट देख स्टूडेंट ये रहा तुम फंक्शन ये रहा तुम एलपीपी है ये तुम कौन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो ये भी तीन टाइम क्वेश्चन अच्छे तीन टाइम क्वेश्चन रे तुम गोटे क्वेश्चन कराया है तो दैट मीन तुमको लॉन्ग क्वेश्चन कितना करियार स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन तुम टोटल पांचटा लॉन्ग क्वेश्चन कराया गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कैरी के सिक्स मार्क तो सिक्स इंटू फाइव थर्टी मार्क्स तुम टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आसूस है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार थो 2019 को टाइप क्वेश्चन आसूस तो 2019 और 2020 दुटा इयर मैथ क्वेश्चन अपलोड हो सारी तो तुम आराम से देखिए सहीटू जापर कि प्रिवियस ईयर को टाइप क्वेश्चन आसूस तुम कौ टाइप प्रिपेरेसन हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।